ओम शांति राहुल भाई जी, ओम शांति। राखी बहन, आवाज ठीक आ रही आपका है? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी भाई बहनों का, हम सब एक परिवार हैं, तो फिर भी हम सबका स्वागत है जी। थैंक तो आज की शुरुआत हम इस बात से करेंगे, जो भी हम पांच अव्यक्त वाणियां पढ़कर आए हैं, काफी इम्पोर्टेंट वाणी है, सबने समझा इस बात को। तो इस बात पर हम विचार करेंगे कि नॉलेज और अवेयरनेस दो बातें हैं। जो भी मुरली हमने पढ़ी है पांचों, उसके आधार पे इस प्रश्न को जवाब देने की कोशिश करेंगे कि नॉलेज और अवेयरनेस में क्या डिफरेंस है। इन पांचों मुरली में ऐसी कौन सी बातें हैं जो अवेयरनेस के लिए बाबा ने बोली हैं, तो इसके बारे में सारे भाई बहन शेयर करेंगे कुछ बातें अपनी। बाबा ने हमें किन किन बातों की अवेयरनेस बताई है? तो पहला आंसर दिया है स्वरूप की अवेयरनेस। कौन से स्वरूप की अवेयरनेस, कौन सा स्वरूप है हमारा? अनादि स्वरूप की अवेयरनेस बाबा ने दिलाई, क्योंकि बाबा ने कहा कि आपकी जो अनादि स्टेज है, शांति स्वरूप की स्टेज है, और 84 जन्मों से वाणी में आने की स्टेज है, तो 1 सेकंड की स्टेज पावरफुल है 84 जन्मों से भी। ठीक है, बाबा ने और हमें क्या अवेयरनेस दिलाई है? राइट, दातापन की। अव्यक्त डबल लाइट की, इकोनॉमी एंड इकोनॉमी की, अभी बहुत सारी बातें रखी हैं। फरिश्ता स्वरूप की अवेयरनेस, सर्वश्रेष्ठ सम्मान की, स्वमान की, सर्वश्रेष्ठ या सबसे ऊंचा स्वमान कौन सा है? बाबा ने इस बात को हमें याद दिलाया है। संघ के रंग की अवेयरनेस दिलाई है। मास्टर सर्वशक्तिवान, यस। ये हम अपने आप को चेक भी करते जाएंगे कि हम ये आंसर नॉलेज के आधार पर दे रहे हैं या अवेयरनेस के आधार पर दे रहे हैं। वैल्यू ऑफ टाइम, वरदानी स्वरूप की, अभी बहुत सारी बातें रह गई हैं। निर्मल स्वभाव विद नशा, निर्मल या निमित्त, सॉरी, नम्रता। जितना जितना ऊंचा नशा उतनी नम्रता, बाबा ने ये दिलाया। दानी वरदानी स्वरूप, अभी काफी कुछ रह गया है। ये बहुत अच्छा बताया रश्मि बहन ने। बाबा ने कहा कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, और बाबा ने उसका आंसर भी बहुत अच्छा दिया है। एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए, इस बात की जिम्मेदारी है। और बाबा ने हमें ये भी अवेयरनेस दिलाई कि इस समय तुम बाप के मालिक बनते हो। अभी भी कुछ बातें रह गई हैं। एवर रेडी, बाबा ने एवर रेडी को एक्सप्लेन किया। एवर रेडी होने का क्या मतलब है? समय और संकल्प का महत्व बाबा ने बताया, उसकी अवेयरनेस हमें दिलाई। जैसे बाबा ने एवर रेडी कहा, बाबा ने ऑलराउंडर भी कहा। बाबा ने साधन और साधना के बारे में भी बात की। ये नॉलेज वाले हम डोमेन में थोड़ा जा रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस पे अगर हम फोकस करें, बाबा ने अवेयरनेस के विषय में क्या क्या बताया? हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। सर्व खजाने के विषय में बताया, खजानों के मालिक हो ये बताया, और सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना
ये बहुत गहरी बात है, बहुत समझने की बात है। बाप ही सबसे बड़ा खजाना है, जिसको चाबी मिल गई खजाने की, यानी बाप मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो एक एक बात की गहराई में आज हमारे भाई बहन में ले जाएंगे मुरली चिंतन के माध्यम से। तो राखी बहन, लास्ट मुरली से पहले शुरू करें आज? बिल्कुल बिल्कुल, सब एवर रेडी हैं तो जी। लास्ट मुरली 8573 की है, रश्मि सिन्हा बहन जी। रश्मि बहन ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। जी तो मुरली 8th May 73। बाबा बोले, आज मुरली का टाइटल है सर्वोच्च स्वमान। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले महादानी, वरदानी, महात्यागी व पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले। तो ये सब टाइटल हमें कैसे मिलते हैं? बाबा से मिलते हैं। और बाबा हमें किस आधार पर, किस प्रमाण पर ये सब टाइटल दे सकते हैं कि हम आत्माएं अपनी सीट पर कितना सेट हैं, अर्थात हम कितना समय अपने स्वमान में स्थित रहते हैं, और नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कितना अपने स्वमान को सर्वोच्च करते जाते हैं, और सर्वोच्च स्वमान क्या है। दूसरी बात ये आती है कि अभिमान आता ही क्यों है? अभिमान आता ही तब है जब स्वमान नहीं है। और यहाँ क्या बताया गया आज की मुरली में बाबा ने? सर्वोच्च स्वमान। तो अगर हम आत्माएं सर्वोच्च स्वमान पर स्थित हो रही हैं, तो इसका अर्थ है कि हम आत्माएं निरअहंकारी बन रही हैं। और हमारी जो सबसे फाइन स्टेज है, वो बोला जाता है, बाबा बताते हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। अर्थात अगर हम ब्राह्मण आत्माएं सर्वोच्च स्वमान की सीट पर सेट हो जाएं, तो हम आपे ही सरलता और सहजता से निरअहंकारी बन सकती हैं। और ये बहुत सटल है, जो बहुत बड़े बड़े महारथियों में भी शायद रह जाता है, लेकिन अगर हम सर्वोच्च स्वमान की सीट पर जितना अधिक समय टिके रहेंगे, उतना हमारी निरअहंकारी स्थिति बनती जाती है। फिर बाबा ने कहा, तो इस समय का बड़े से बड़ा स्वमान यही हुआ कि बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो, विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयिता के भी मालिक बनते हो, शिव बाबा के भी मालिक हो, इसलिए वालेकम सलाम कहा। तो विश्व के मालिक बनने का एक ही तरीका है कि पहले हम विश्व के रचयिता के भी मालिक बने। अर्थात मालिक कैसे बन सकते हैं हम उसके? जब हम उसके बच्चे बन जाएं, क्योंकि बच्चा ही बाप की प्रॉपर्टी का मालिक होता है, उसके वर्से का अधिकारी होता है। तो इस तरह से बाबा को हमने अपना बाबा बना लिया, तो हम उसके भी मालिक हो गए, और इसलिए वो हमें वालेकुम सलाम करता है। तो जैसे हम सलाम वालेकुम, साहब को सलाम, तो साहब जादे को सलाम, जो साहब का भी साहब है उसको सलाम। फिर है, बाप भी इस समय किस बंधन में है? बच्चों के बंधन में। तो रचयिता को भी बंधन में बांधने वाले ऐसा स्वमान फिर कब? यह है शुद्ध स्वमान, इसमें अभिमान नहीं होता। जहां स्वमान है वहां अभिमान नहीं। तो जैसे बाबा बच्चों के बंधन में कैसे आए? तो अभी 24th December 74 की मुरली में भी बाबा ने कहा कि अगर एक बार समय पर सहयोग करा, तो बाबा को सदा के लिए और अंत तक के लिए अपने सहयोग देने के बंधन में हम बच्चे बाबा को बांध लेते हैं।
और हम आत्माएं क्यों आती हैं इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब किताब के कारण, कार्मिक अकाउंट्स के कारण हम आते हैं पार्ट बजाने। तो ये तो स्थूल हुआ, लेकिन बाबा भी बहुत सूक्ष्म रूप में हम बच्चों को, जो हमने सहयोग दिया है बाबा को और जो बाबा को इतने प्रेम से पुकारा है, तो बाबा उसके रिटर्न में बंधा हुआ है हमें सहयोग देने के लिए, हमारे प्रेम के बंधन में बंधा है। फिर आगे है, ऐसे आप सभी भी हर एक आत्मा को सदा सम्मान देते बाप समान बनाते रहते हो। इस समय सिवाय एक बाप से लेने के और सभी को देना है। तो हमें, जैसे बाबा ने हम बच्चों को आप समान बनाया, वो हमें अपना सिरताज बनाते हैं, तो वैसे ही हम आत्माएं जिन आत्माओं को बाबा का परिचय देती हैं, तो हम उनको कब बना पाएंगी बाप समान या आप समान? जब हम स्वयं बाबा जैसा बनेंगे, तब हम उन्हें आप समान और बाप समान बना सकते हैं। फिर है, अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होगी, सर्वज्ञ बाप से सदा काल की प्राप्ति होगी। तो अल्पज्ञ किसे कहा गया? जिन्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान नहीं, ड्रामा की पूरी नॉलेज नहीं। चाहे कितने भी बड़े साधु सन्यासी हैं, लेकिन उन्हें 84 जन्मों के पूरे चक्र का ज्ञान नहीं। ऐसा ज्ञान केवल शिव बाबा इस संगम पर आकर हम बच्चों को देते हैं। तो सर्वज्ञ बाप से ही सदा काल की प्राप्ति हो सकती है। तो जब आप लोग भी किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त बनती हो, तो स्मृति क्या रहती है? आत्मा के पास अपना कुछ है क्या? तो जब हम आत्माएं औरों को ज्ञान देने के निमित्त बनती हैं, तो हमारी स्मृति में समर्थी रहनी चाहिए। और स्मृति की समर्थि का अर्थ ये है कि हम बाबा ने जो हमें खजाना दिया है, ये हमारा अपना कुछ नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। बाबा ने जो कुछ हमें दिया है, वो हम औरों को दे रहे हैं, तो इसे कहेंगे स्मृति में समर्थी। और अगर इस तरह से हम ज्ञान देंगे, ऐसी स्मृति से, तभी उन आत्माओं को हम श्रेष्ठ संबंध में जोड़ सकते हैं। और जो आत्माएं ऐसा करेंगी, तो उनकी स्मृति में नशा रहेगा, वो नशे में रहेंगी। तो जितना ऊंचा नशा, जितनी ऊंची जो है नशा, उतना ज्यादा वो नम्रचित्त होंगी। तो लौकिक रीति में जो नशा होता है, जितना ऊंचा नशा होता है, उतनी ऊंची अकड़ या रौब होती है। लेकिन ये जो यहाँ पर अलौकिक नशा होता है, जिसे रूहानी खुमारी कहते हैं, इसमें जितना ऊंचा रूहानी खुमारी होती है, उतनी ज्यादा रूहानियत आती है, उतना नम्रचित्त रहते हैं। फिर आगे बोला कि स्वमान के रशे में रहते हैं, हम विश्व के रचयिता के भी मालिक हैं। तो ऐसे नशे में रहने वाले का कर्तव्य क्या होगा? तो बाबा कह रहे हैं कि जो अति नशे में रहते हैं, कि हम विश्व के रचयिता के भी मालिक हैं, तो उनका कर्तव्य क्या है? कि वो बाबा का कर्तव्य क्या है? विश्व का कल्याण करना। तो हम बच्चों का भी वही कर्तव्य हुआ, विश्व का कल्याण करना। लेकिन कोई भी क्रिएटर कब बन सकता है, कोई भी क्रिएटर क्रिएशन कब कर सकता है? जब वो डाउन टू अर्थ हो, नम्र चित्त हो, निर्माण हो। बिना नम्र चित्त और निर्माण हुए कोई भी रचना रची नहीं जा सकती। बाबा ने भी हमें कैसे अपना बनाया? जब बाबा हमारा सेवाधारी बना, तो हमें इसमें फॉलो फादर करना है। बाबा हमेशा हाजरा हजूर हो जाता है, वो ओबीडियंट सर्वेंट हो जाता है, तो हमें इस चीज में फॉलो फादर करना है। फिर हमें ये चेक करना है कि हमें बाप से कितने खजाने मिले हैं। वैसे तो अनेक खजाने मिले हैं, लेकिन इस मुरली में स्पेसिफिक जिन खजानों का वर्णन है, तो वो विशेष है। बड़े से बड़ा खजाना है बाबा, फिर ज्ञान के खजाने, गुणों के खजाने, अष्ट शक्तियों के खजाने, समय का खजाना, पवित्रता का खजाना और अति इंद्रिय सुख का खजाना। तो जो बड़े से बड़ा खजाना है बाप, तो वो जैसे खजाना क्या हुआ, जैसे कि खजाने की चाबी हो गई, कि बाबा सब गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, पवित्रता का सागर है, अति इंद्रिय सुखों का सागर है। तो अगर ये मेरा बाबा कह के बस उस चाबी को घुमाना है, दिल से मेरा बाबा कहा
और वो जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा और अब हम उस खजाने में से कितना भी ज्ञान, गुण, शक्तियां, पवित्रता हम ले सकते हैं और औरों को दे सकते हैं। फिर है टाइम। तो बाबा ने कहा, अगर अनेक पदम इकट्ठे करो और संगम युग का एक सेकंड दूसरी तरफ रखो तो भी श्रेष्ठ संगम का ही एक सेकंड गिना जाएगा। मतलब इतनी चीजें एक तरफ कर दो और एक सेकंड संगम युग का अवेलेबल है, क्योंकि हम एक सेकंड में भी हमने स्वयं भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लिया है और अन्य आत्माओं को भी हम एक सेकंड में ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे सकते हैं। तो अगर किसी भी खजाने में कोई भी विशेषता की कमी है तो फिर हम चंद्रवंशी में आ जाएंगे। जब सर्व खजानों की संपन्नता होगी तभी हम सूर्यवंशी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि थोड़े में ही खुश हो गए हो, क्योंकि ये तो भक्ति मार्ग की आत्माओं का है कि वो थोड़े में ही खुश हो जाती हैं। भक्ति मार्ग की आत्माएं कि थोड़ी सी भगवान झलक दिखा दो, थोड़ा सा साक्षात्कार हो गया, लेकिन हम तो बाबा के भी मालिक हो गए ना, बाबा को अपना बना लिया, तो हमको तो सारा ही प्राप्त करना है, तो थोड़े में राजी नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा, चेक करो महादानी बने हो या अपने प्रति ही रख लिया, क्योंकि जो केवल अपने प्रति रखते हैं वो तो चौकीदार हुए, खजाने के चौकीदार हुए, जो बांटते हैं सबके लिए वही महादानी हुए। और उसके बाद के पवित्रता का खजाना कहाँ तक अनेक आत्माओं को दान किया है, क्योंकि अगर हम ब्राह्मण आत्माओं का सबसे विशेष अनुभव क्या है, वो अनुभव है बेहद का मन और अति इंद्रिय सुख। तो वो हम अति इंद्रिय सुख कैसे स्वयं अनुभव कर सकते और कैसे औरों को अनुभव करा सकते, जब हम उनको पवित्रता का खजाना, पवित्रता का दान दे, बिना पवित्रता का दान दिए अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कराया जा सकता और बिना अति इंद्रिय सुख के मनसा सेवा भी नहीं की जा सकती। तो ज्यादा अपने प्रति लगाते हो या विश्व की सेवा के अर्थ लगाते हो, क्योंकि जब हम बाबा क्या है, बाबा को कोई शरीर तो है नहीं, तो सब ज्ञान, गुण, शक्ति ये इंद्रियातीत चीजें हैं। तो ये बाबा से जो बाबा इन सब गुणों शक्तियों का इंद्रियातीत चीजों का जो एनर्जीज का सागर है जब अपने में भरते हैं तो ही औरों को देते हैं, अर्थात मनसा सेवा करते हैं। तो इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज, तभी हम महादानी बनेंगे। और वरदानी कब बनेंगे, जब सर्व शक्तियों को हम औरों के लिए लगाएंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, अगर सभी खजाने दूसरों के प्रति लगाते रहेंगे तो आप खाली हो जाएंगे क्या, कहीं ऐसा तो नहीं सोचते हो? क्योंकि इसका एग्जाम्पल स्वयं ब्रह्मा बाबा और मम्मा है, जो बाबा के रात को रेस्ट करने का भी समय होता था, तो बाबा अगर और बच्चों के दर्द या तकलीफ होती थी तो बाबा रात रात भर जागकर उनको साकाश देते थे, अपना समय भी उनको लिए लगा देते थे। तो अब समय कम है तो डबल कोर्स करो, दूसरों को देने के साथ साथ जमा करो, अपने लिए नहीं लगाओ, क्योंकि दूसरों को दोगे तो उसी में अपना जमा करते जाओ, क्योंकि लक्ष्य विश्व महाराजन बनने का है। तो शुरू में जब ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय की सेवा की विशेषता क्या थी? तो ज्ञान गंगाएं हम आत्माएं हैं, निमित्त दादियां और दीदी थी, लेकिन बाबा नहीं था ज्ञान गंगा, बाबा तो गौमुख है, बाबा तो नंदी है, शिव बाबा की सवारी है, गौमुख से हम ज्ञान गंगाएं निकली हैं, लेकिन सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है। तो उस समय के निकले हुए वारिस और इस समय के निकली हुई आत्माओं में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि उस समय अपनापन नहीं था, उस समय इकोनॉमी और इकनॉमी थी, अपने लिए नहीं लगाते थे, सब कुछ देते थे, देने की भावना थी, दातापन था, व्यर्थ नहीं गमाते थे, ना समय, ना शक्ति और ना संकल्प, मतलब महादानीपन की पूरी स्टेज थी। निमित्त बनी आत्माएं एकदम बाप के समान महादानी स्थिति में थी। तो वो अपनी मुक्ति का पहले नहीं सोचती थी, वो ये नहीं सोचती थी धरनी कैसी है, साथी कैसे हैं, साधन कैसे हैं, सारा प्रबंध हो तब हम सर्विस करें, नहीं, पहले सेवा करते थे चाहे जैसी भी स्थिति हो,
उसके बाद सेल्वेशन आती थी, मुक्ति उसके बाद होती थी, तो इसे कहते हैं महादानी। वैसे भी जो सहन शक्ति जहां नहीं है वहां महादानी की स्टेज नहीं है। सहन शक्ति वाली आत्मा ही महादानी हो सकती है, क्योंकि वो ये नहीं देखेगी कि साधन है कि नहीं और सामने वाला डिजर्विंग है कि नहीं, वो सिर्फ देता जाएगा औरों की चीजों को सहन करने के बाद भी, तो इसे कहेंगे महादानी। दानी उसे कहते हैं जिसके पास स्टॉक में कुछ है, और जो फुल स्टॉक हो जाता है वो महादानी, क्योंकि सहन शक्ति से स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। तो शुरू में यही था, जब बहुत त्याग किया, बाबा ने सर्वस्व त्याग कर दिया तो औरों के भाग्य बने। वही अष्टरत्न है जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। फिर उसके बाद में है कि त्याग वृत्ति में रहो जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बने। तो बाबा ने हमें ऐसी जिम्मेवारी दी है कि ऐसा ना हो कि अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न ना कर सको, कि हमारे त्याग में कमी रह जाए तो हम जो बाबा के द्वारा निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, अन्य आत्माओं को बाबा का परिचय दिलाने के लिए, बाबा के समीप संबंध में लाने के लिए, तो हमारे त्याग की कमी के कारण उनके भाग्य की लकीर में कमी रह जाए। तो अभी अपने को बचपन में नहीं समझो, अब वानप्रस्थी स्टेज में है, इसलिए अपनी जिम्मेवारी को हमें समझना है और बहुत संभल कर सावधानी से जिम्मेवारी को लेना है। ओम शांति। रश्मि बहन, बहुत अच्छा आपने काफी विस्तार से बताया, आपने काफी डीपली अच्छे से स्टडी भी की है। आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे अन्य भाई बहनों के साथ कि कैसे व्यक्ति मुरली स्टडी करें? हाँ, मैं एक चीज तो आज की मुरली के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने इसे पढ़ा था 10-11 बजे के करीब, इसे ध्यान से दोबारा से इस मुरली को, तो जो आज का नुमा शाम का मेरा योग था वो बहुत 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 अच्छा हुआ और पूरा इस मुरली पर ही था। मुझे एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं आया, एक भी सेकंड मेरा कोई और संकल्प नहीं चला। पूरा ये रहा कि मेरा इतना अच्छा योग लगा कि जैसे मेरे अंदर आकाश तत्व भरता जा रहा है। तो आकाश तत्व के भरने से क्या हो रहा है, मेरी स्थिति निरसंकल्प निर्विकल्प होती जा रही है। आकाश तत्व होने से मेरे अंदर जो है वो दातापन की स्थिति आ रही है, क्योंकि मैं सामने की आत्माओं को देखकर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, रिस्पोंड कर रही हूँ। तो आकाश तत्व आने से इतनी बीज रूप स्टेज बन रही है, इतनी ज्वालामुखी स्टेज बन रही है, क्योंकि जो बाबा कहते हैं बिल्कुल निर्विकल्प स्टेज बन जाए, समाधि वाली स्टेज बन जाए, तो एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं आया। पूरी मुरली जैसे मुझे शायद रट सी गई है, जैसे ऐसे ही, क्योंकि बोल नहीं रही थी लेकिन योग में जैसे बिल्कुल महसूस हो रहा था कि अशरीरीपन जैसे भां भां करता है। बाबा ने जो 69 की मुरली में कहा कि भां भां हो रहा था, मुझे सिर्फ वैसी चीज कभी कभी सुनाई दे रही थी। मतलब थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, और बस बहुत अच्छा लगता है मुझे मुरली को का पढ़ना, चिंतन करना, सबसे बड़ा केंद्रीय सुख है। वो पता चल जाता है, आपने काफी डीप कनेक्शन एस्टेब्लिश किए मुरली के पॉइंट्स में जो ओवरलुक हो जाते हैं अदरवाइज अगर डीपली स्टडी ना करें तो। इस मुरली पे कोई और भाई बहन शेयर करना चाहते हैं कुछ, क्योंकि ये मुरली इम्पोर्टेंट है तो हम एक दो भाई बहनों का और पर्सपेक्टिव कोई डिफरेंट है तो ले सकते हैं, सिर्फ इस बात पर कि सर्वोच्च सम्मान क्या है। कमल बहन, आपको शेयर करना था? आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। किसी का घर पे डिनर था, बस अभी फ्री होके बैठी हूँ। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके
ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है रेकमेंड, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। जी भाई जी, 4 मई 1973, अधिकारी और अधीन, रुचि बहन आप बोलेंगे। तो इसमें 5 मेन भाग हैं इस मुरली के। ये पहला भाग है और हम फिर उनकी डिटेल में जाएंगे। तो पहले तो जो स्वरूप या फिर जो नेचुरल स्वरूप है उसके बारे में बाबा ने डिटेल आउट किया है। फिर उसके बाद बाबा ने एवर रेडी पे फोकस किया है। फिर उससे अगला ऑलराउंडर पे फोकस किया है। फिर उससे जो अगला भाग है उसमें बाबा ने फिर से अपने लक्ष्य की स्मृति दिलाई है। और फिर जो लास्ट भाग है उसमें बाबा ने हमें टूल्स दिए हैं आर्टिस्ट की तरह, और उसके ऊपर बाबा ने हमें गाइड किया है कि कैसे आर्टिस्ट हमें बनना है। तो जो फर्स्ट है जो फर्स्ट भाग है जहाँ से मुरली शुरू होती है, पहले पैराग्राफ में ही कम से कम 10 क्वेश्चंस हैं। बाबा ने कहा कि आपका कौन सा अभ्यास है जो ज्यादा प्रबल है, 84 जन्मों का वाणी में रहने का प्रैक्टिस निरंतर और नेचुरल है, या फिर जो आत्मा का स्वधर्म है शांत स्वरूप की स्थिति का, जो संगम युग के 1 सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का अनुभव प्रबल है। तो बाबा ने एक ये कंपैरिजन बताया है, एक तरफ है 84 जन्मों की प्रैक्टिस और एक तरफ है 1 सेकंड का। फिर बाबा ने जो ये 1 सेकंड का है इसके ऊपर फर्दर 4 पॉइंट्स एटलीस्ट एलैबोरेट किए हैं कि जो 1 सेकंड का अनुभव है वो बहुत समय के अनुभव का आधार है, अनेक प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला है, अनेक वर्षों के समान है। तो ये 1 सेकंड की जो इम्पोर्टेंस है, जब चाहे, फिर बाबा ने आगे अधिकारीपन को इसमें लेके आए हैं कि जब चाहे जैसे चाहे अपने मुख को चलाना चाहो या उसको वहां पे रोकना चाहो वैसे चला सको। तो ये शरीर को चलाने का। फिर बाबा ने कहा कि क्या ऐसी मास्टर मालिकपन की स्टेज है आपकी। फिर बाबा ने उसकी भी एक सीक्रेट बताया कि मालिकपन भी तभी आएगा जब आप पहले बालक बनोगे, मतलब कि नम्रचित हम्बल ईगो फ्री बनोगे, देह के भान से, देह अभिमान से परे जाओगे। तो बाबा ने कहा कि आपको स्मृति हमेशा ये रहनी चाहिए कि हम सर्वशक्तिवान के बालक हैं। तो इससे जो है, जब ये सदा याद रहेगा तो मालिकपन का नशा और खुशी की मस्ती में मगन रहेंगे, प्रकृति के अधीन हो अगर। फिर बाबा ने उसका कॉन्ट्रास्ट भी बताया कि एक तो ये स्टेज है कि अपना आप सर्वशक्तिवान के बालक हो, उस स्टेज में, उस याद में हो, और उसकी आप एक तरीके से उसकी जो रिजल्ट है वो आपको मालिकपन का नशा रहेगा, खुशी रहेगी और मस्ती में मगन रहोगे। जो उसका कॉन्ट्रास्ट है कि हम अगर प्रकृति के अधीन हो रहे हो तो मतलब कि जो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज है उसको आप भूल जाते हो, अपने अधिकारों को सदैव सामने नहीं रखते हो। तो ये फर्स्ट सेक्शन का इलैबोरेशन था। फिर जो सेकंड सेक्शन है उसमें बाबा ने एवर रेडी पे फोकस किया है और उसमें है ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स। तो पहले बाबा ने कहा कि जो परिस्थितियां और परीक्षाएं हैं, श्रीमद प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परीक्षा में वो हो सकते हो। ये इस मुरली में बाबा ने ये डेफिनेशन से एवर रेडी को डिफाइन किया है। कोई भी ऑर्डर मिले, श्रीमत मिले, संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले, अगर साक्षी, वहां पे फिर बाबा ने एग्जांपल दिया कि अगर आपको साक्षी होने के लिए ऑर्डर दिया जाए या श्रीमत दी जाए तो क्या 1 सेकंड में हो सकते हो, दूसरा सेकंड भी लगा तो मतलब कि एवर रेडी नहीं है। तो बाबा ने यहाँ पे फिर मिलिट्री का भी एग्जाम्पल दिया कि 1 सेकंड में स्टॉप टू स्टॉप। और अगर हम एक और इसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, अगर ऑर्केस्ट्रा चल रहा है या फिर कोई म्यूजिक का वो चल रहा है, अगर कोई पियानो बजा रहा है और कोई गिटार बजा रहा है और कोई ड्रम बजा रहा है, तो हम अनुभव कर सकते हैं कि अगर एक भी धुन एक्स्ट्रा बज गई तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो कितनी इसमें अटेंशन चाहिए, कितना कंट्रोल चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर डायरेक्शन मिले, श्रीमत मिले, 1 सेकंड में उसी स्थिति में स्थित हो जाए, 1 से 2 सेकंड ना लगे। और फिर बाबा ने यहाँ पे तीव्र पुरुषार्थी भी इसी को डिफाइन किया है कि जरा भी संकल्पों की हलचल ना हो, शक्ति
फिर बाबा ने शक्ति और शस्त्रधारी सेना के लिए पूछा है कि क्या आप सब इस स्टेज पे पहुंच गए हो। फिर बाबा ने पांडवों के कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जांपल दिया था कि कार जो है या जो कोई भी आपकी सवारी है उसे जब चाहे जैसे चाहे किसी भी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाबा ने यहाँ पे फिर पूछा कि कौन आगे है, शक्तियां हैं या पांडव हैं। इससे फिर अगला जो फोकस है वो ऑलराउंडर पे है। तो पहले बाबा ने उसका मीनिंग बताया, उसके तीन बाबा ने विशेष बताए कि ऑलराउंडर जो होगा उसके तीन विशेष गुण होंगे। और उसमें बाबा ने तीन जो डिफाइन किए हैं गुण, वो है कि पहला तो है कि सर्विस में रहेंगे हमेशा, दूसरा स्वभाव संस्कार सबसे इजीली मिक्स हो जाएगा, तीसरा जो है वो बाबा ने कहा कि कोई भी जो स्थूल कार्य है जिसको कर्मणा कहा जाता है उसमें स्वयं को बहुत इजीली फिट कर लेंगे, जैसे कि कोई एक्सपर्ट हो कि पहली बार नहीं करें नया नहीं लगेगा, क्योंकि फिर इसमें थोड़ा सा हमने अपना ऐड किया था कि क्योंकि ये सब जो चीजें हैं कोई भी काम करना होता है मोस्टली ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारे सामने कोई ऐसा काम आता ही नहीं है जो हम कर ना सकें, हमारे अंदर संस्कार ऑलरेडी भरे हुए हैं, सिर्फ हमने उनको एक्टिवेट करना है, एक तरीके से उनको इमर्ज करना है, बट उसके लिए हिम्मत और उत्साह उमंग होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हमारा ये नेचुरल नेचर हो। एक फिर बाबा ने इसमें कहा कि एक 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 बात के आधार पर कर्मों की रेखाएं बनती हैं, वह आत्मा में संस्कार का रिकॉर्ड भरता है। ये फिर बाबा ने वाय यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या गुण है, ये तीन गुण बताए, फिर वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो गुण उसको एक्सप्लेन किया कि प्रारब्ध से इन सब चीजों का कनेक्शन है, सूक्ष्म कमी अगर होगी तो उसके कारण प्रारब्ध में भी कमी होगी। तो इसमें हमें, और फिर बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे चेकिंग का पॉइंट कहा कि इसी में नहीं खुश हो जाना कि तीनों हमारे में है, तो एक बस यस नो का ये नहीं है, अपने में परसेंटेज चेक करनी है, और अगर अपनी परसेंटेज चेक करोगे तो उससे आप देख सकते हो कि आपका नंबर कौन सा रहेगा आगे प्रारब्ध में। तो इसमें हमने थोड़ा सा ये भी ऐड किया था कि क्या क्या हम अपने में चेक कर सकते हैं, कि हमारे आगे कोई सिचुएशन आती है, किसी का स्वभाव संस्कार आता है, तो हम में एक्सेप्टेंस कितनी है, हम कितने ईजी गोइंग है, हम कितने एडजस्ट करने में रेडी रहते हैं, ease to facing the ease in facing challenges, कितना हमारा ओपन माइंड है कि नहीं नहीं ये तो काम हमने पहले नहीं किया, ये नहीं हम कर सकते, तो कितना हम easy रहते हैं इन चीजों में। और जो अगला सेक्शन है वो है लक्ष्य पे। सो बाबा ने फिर आगे फिर से क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि लक्ष्य तो सभी का फर्स्ट का है ना, कहीं ये तो नहीं सोचते कि लास्ट भी अगर आएंगे तो क्या हर्जा है। तो बाबा ने यहाँ पे बड़े स्वीटली समझाया, एक शिक्षा देते हुए कि ये जो ऐसे थॉट्स हैं वो निर्बल आत्माओं की निशानी है, और फिर सोचो उनका टाइटल भी क्या होगा। और यहाँ पे बाबा ने कहा दो चीजें बताओ ऐसी आत्माओं की, एक तो टाइटल बताओ और दूसरा उनका गायन बताओ। तो टाइटल उनका समरी में बाबा ने कहा कि भाग्यहीन का टाइटल मिलना है, और उनका गायन होगा कि आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले, जिनको भाग्य विधाता के बच्चे भी बने अधिकारी भी बने, पर जो सामने भाग्य आया अर्थात भाग्य विधाता सामने आया, पर सामने आए हुए भाग्य को बनाने के बजाय ठोकर मार दी। तो बाबा ने फिर इसको डिफाइन किया कि ये गायन और ये उनका टाइटल भाग्यहीन का। अब जो लास्ट सेक्शन है, फिर बाबा ने यहाँ पे ट्रांजिशन थोड़ी सी मुरली के आगे होती है कि जो आपकी भविष्य की तस्वीर है उसको जानते हो, और क्या वो अभी बना रहे हो कि बना चुके हो और सिर्फ फाइनल उस पे स्ट्रोक्स लग रहे हैं, फाइनल टचिंग हो रही है। तो अगर बना चुके हो तो वह सामने जरूर आएगी और बार बार आएगी। और फिर बाबा ने कहा हो तो सब नंबर वन आर्टिस्ट ना, कोई सेकेंड या थर्ड तो नहीं हो। तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई तो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं लेकिन फराक दिल नहीं होते हैं। तो बाबा ने कहा कि फराक दिल होकर अपने जो खजाने इतने मिले हैं आपको, संकल्प का खजाना, कर्म का खजाना, वाणी का खजाना, समय का, श्वास का, इनको खुले दिल से यूज करना है, इसमें इकोनॉमी नहीं करनी है, इकोनॉमी करनी है अपना व्यर्थ संकल्पों में। और बाबा ने उसमें भी विधि बताई कि इकोनॉमी करने की विधि है एक नामी बनना, जब एक नामी नहीं है तो
यथार्थ इकोनॉमी भी नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे भाई जी। शांति। हाँ, बहुत अच्छे से आपने काफी डीपली स्टडी करके एक्सप्लेन किया है। आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे भाई बहनों के साथ कि कैसे अव्यक्त मुरली स्टडी वो और अच्छे से कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हमारा जो एक तो हर मुरली में कोई ना कोई फ्लो होता है, चाहे बाबा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं, बट उन टॉपिक्स में भी उनका अपना फ्लो है। एक तो पहले बाबा मोस्टली मोटिवेट करते हैं कि क्या टॉपिक है, उस टॉपिक को पहले वो मोटिवेट करते हैं, फिर क्या करना है मोस्टली उसमें ये होता है, क्यों करना है, उसकी रीजनिंग क्या है उसके पीछे। तो हमारा फोकस उन पॉइंट्स को पिकअप करने में होता है ताकि हम उसको लिंक करके एक फ्लो बना सकें एटलीस्ट उस सेक्शन का, पूरी मुरली का चाहे ना भी हो इट्स ओके, बट उस सेक्शन का क्या लिंकेज है उसमें, व्हाई व्हाट एंड हाउ, क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है। पहले तो हमारा यही फोकस होता है कि ये चीजें मिल जाए बीच में से, फिर एक्स्ट्रा और जो चीजें होती हैं, क्या मोटिवेशन है इसके पीछे बाबा की, और बाबा की जो ऑफकोर्स मजा तब आता है जब बाबा पहले उसको कितने प्यार से उसको मीठा मीठा बना के फिर पॉइंट पे आते हैं शिक्षा के पॉइंट पे, वो जो ट्रांजिशन होता है उसको कैच करने में बड़ा आनंद आता है। यही शेयर करेंगे, मुरलियों को एंजॉय करो, इतना बड़ा हमको खजाना मिला है भगवान का, दिल तो करता है कि सब कुछ छोड़ के बस बाबा की मुरलियां ही पढ़े। बहुत अच्छा। आप कितने वर्षों से ज्ञान में हैं? जी हम 2018 में ज्ञान में आए थे, बट हमारी जो पढ़ाई की जर्नी है 17 में आए थे शायद, पर हमारी जो पढ़ाई की जर्नी है वो 2018 में शुरू हुई मधुबन जाने के बाद। आपने बहुत जल्दी बहुत अच्छे से कवर किया सारा, बहुत अच्छा है। पढ़ाने वाला भगवान है। बिल्कुल। राखी बहन नेक्स्ट। हाँ जी, 24/4/73 की लौकिक जन्म पत्री, हरीश भाई जी आप शेयर करेंगे। ओम शांति भाई जी। जी इस मुरली से हम पीछे से लगते हैं कि आज का जो नियम बनाया कि मुरली के लास्ट से चलना है तो लास्ट से ही चलते हैं, तो हम पहले बाबा के लास्ट पैराग्राफ में जन्मपत्री के हिसाब से तो हम पहले जन्मपत्री देखते हैं कि जो बाबा ने हमें दी है, तो इसी मुरली में काफ़ी कवर भी हो जाएंगे। अगर हम जन्मपत्री को देखते रहेंगे तो मुरली से भी कवर हो जाएंगे। बाबा ने इस मुरली में कहा कि तिथि, तारीख, समय और ब्राह्मण जन्म की दिनचर्या के बारे में बताया, तो हम जन्मपत्री दिखाते हैं किसी को तो हाथ दिखाते हैं तो वो हाथ हमारा हाथ के हिसाब से देखते हैं, लेकिन बाबा ने हमें हमारी लाइन की बुद्धि की लाइन या ज्योतिबिंद की लाइन, लाइट की लाइन से हमारी तारीख बताई है। वो जो बाप की तारीख है हमारी वो तिथि या तारीख जो भी कहें वो हमारी तारीख है। समय बेला है, संगम युग ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और रास हम सब की रास है, जो बाप की रास है विश्व कल्याणकारी भाई हम सब की रास है। जैसे जिसमें बाप के सब गुण समाये हुए वैसे ही हमारे में भी वो गुण समाने हैं। दशा भी इसमें बताई है कि बृहस्पति की दशा है, और कुल है ईश्वरी कुल जो सर्वश्रेष्ठ कुल है। पोजिशन है मास्टर सर्वशक्तिमान की, जिस पोजीशन पे हम रुक कर जितने समय चाहें जिस समय चाहें उतनी देर हम रुक सकते हैं। और संपत्ति है अखूट अविनाशी संपत्ति, और धर्म है ब्राह्मण चोटी जो सबसे ऊंचा है। और बुद्धि की लाइन बाबा ने वैसे तो इस मुरली में बताई, अंगद के समान प्रकृति हो चाहे कर्म को या परिस्थिति हो सभी में बुद्धि की लाइन को स्पष्ट रखना है। और वैसे है विशाल और त्रिकालदर्शी, कर्म रेखा है निरंतर और कर्मयोगी सहज योगी। तो इस जन्म पत्री के हिसाब से अगर हम देखें तो हम जब मास्टर त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल होकर तो हम अपने सूक्ष्म संकल्पों की लकीर को भी हम देख सकते हैं। उससे जो बाबा ने कहा कि जो सब्जेक्टों में जो लंबे समय से पुरुषार्थ की सफलता में जैसे जो 15-35 साल का बाबा ने उदाहरण दिया कि चले जाओ 15 साल के चलने की जो है जो सफल होंगे उनकी उनकी गिनती होगी ना कि 35 साल वाले की गिनती होगी। और इसमें एक बाबा ने कहा कि जब जिनकी हस्तों की लाइन
कटी होती है तो बोलते हैं कि जीवन में विघ्न बहुत आएंगे, वैसे ही हमारी बुद्धि की लाइन कट हो जाती है तो जो हमारा कंटिन्यू वाला सिस्टम है वो टूट जाता है, तो फिर वो स्थिति नहीं बनती जो हमें किस जन्मों के लिए सफलता मिलेगी, वो नहीं बन पाती है। आगे बाबा ने कहा है कि संगम युग की जो बताई भविष्य की, हम संगम युग पर मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित रहेंगे तो भविष्य हम क्या बनेंगे वो हम बन जाएंगे, और स्थिति और बेला तो हमने अब बताई दिया। उसके बाद बाबा ने एक महीनता बताई, शब्द लिया महीनता, जो महीनता चीज होती है वो पावरफुल होती है, उससे हम महावीरता आती है, महीनता शब्द से महावीरता आती है। बाबा ने जो फर्स्ट में है उसमें बाबा ने बताया है कि जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पे होते हैं तो हम जिस समय जिस परिस्थिति से या जो भी कर्म के भोग हैं या हिसाब किताब हैं देखे संबंध हैं सभी से नष्ट मुआ होते जाएंगे। अगर हमें उनकी आकर्षण आती है तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पे नहीं है, अगर हैं तो हमारी नष्ट मुआ है। अगर हमें मोह है लगन है तो हमारे उधर से आकर्षित बार बार जाएगी, जिस चीज हमारा लगन है तो हमारा लगन किस में होना चाहिए, क्योंकि हम इस समय हमें सभी से नष्ट मुआ है, हमने शरीर से भी नष्ट मुआन होना है, प्रकृति से भी और पुरानी दुनिया से भी, तो मास्टर सर्वशक्ति बन जाएंगे। यही हमारी अलौकिक जन्मपत्री है। ओम शांति। बहुत अच्छा हरीश भाई, बहुत सरल शब्दों में आपने पूरी जन्मपत्री बता दी हमारी। ओके राखी बहन, नेक्स्ट अभी जी भाई जी, नेक्स्ट। थैंक यू भाई जी, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतनी अच्छी बता पाऊंगा, क्योंकि ये राखी बहन जानती है मैंने कब इसको स्टडी किया है। जी जी, लास्ट उम्मीद ये बची थी तो हरीश भाई ही ऐसे में याद आते हैं और बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं। हमेशा उमंग उत्साह में रहते हैं भाई जी। इनका भी शरीर का पेपर बहुत कड़ा पेपर चल रहा है 3-4 महीने से, लेकिन फिर भी रोज मनन चिंतन करते हैं। 21 अप्रैल 1973 की है। अंचल बहन आप शेयर करेंगे, जैसा नाम वैसा काम। ओम शांति। 21 अप्रैल 73, मुरली का टाइटल है जैसा नाम वैसा काम। तो लौकिक दुनिया में भी माँ बाप बच्चों का नाम बहुत सोच विचार कर रखते हैं, और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि नाम के अनुसार गुण बच्चे में स्वतः आते जाते हैं। ऐसे ही अलौकिक दुनिया में भी बाबा हम बच्चों को बहुत सारे टाइटल और नाम देते हैं। तो आज बाबा यही चेक कर रहे हैं कि जो मैंने बच्चों के इतने सारे नाम रखे हैं क्या बच्चे उनका स्वरूप बने हैं या नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि बाबा के सामने मधुबन निवासी बहनों का ग्रुप है और बाबा ने मुख्यतः 3 नाम मुरली में रिकॉल कराकर पूछा है कि क्या वैसा ही आपका काम भी है। पहला है कि महान भूमि पर रहते इसलिए आप भी महान आत्माएं हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि मधुबन निवासी अर्थात सैंपल, और बाबा ने सैंपल बनने के लिए एक सिंपल पुरुषार्थ बताया कि सदा बाप का सिंबल साथ में रखो। और तीसरा बाबा ने कहा कि मधुबन निवासी मतलब मोस्ट लक्की स्टार्स। तो इसके बाद बाबा ने जो लक्की स्टार वाली बात कही, इसको हम लास्ट सेशन की मुरली से कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा कि बाबा ने कहा कि लक के लोक की है लव। तो एक चेन के रूप में या हम कहें इक्वेशन हम बना सकते हैं कि गॉड्स लव से हमें लक मिलता है, और लक से फिर उसका जो रिजल्ट होता है, जो उसकी परख है वो है लवली। यानी गॉड्स लव से लक का लोक खुलता है, और लोक खुलने की परख है कि हमारे स्वभाव में लवली जो कैरेक्टर है वो आने लग जाता है। और उसके बाद जो इसके अलावा बाबा ने हमें बहुत सारे नाम दिए हैं, हमारे माता पिता ने हमारे बहुत सारे नाम रखे हैं। तो कैसे हम चेक करें कि जो भी नाम बाबा ने हमें दिए हैं उसका हम स्वरूप बने हैं या नहीं बने हैं। तो आप सबके लिए एक बहुत सहज सा प्रश्न है कि आपका जो भी नाम आपका पसंदीदा है बाबा ने आपको दिया है उसको आपको चैट बॉक्स में लिखना है, और अपने नाम के अनुरूप हम काम कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए हम एक 5 स्टेप का कॉमन प्रोसीजर
हर नाम पे अप्लाई करके उसको चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि हम ये देखें उसका मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। इस प्रोसीजर को हम अपने महान आत्मा के नाम के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। जैसे महान आत्मा को बाबा ने आज की मुरली में डिफाइन किया है कि जिसका हर कार्य, हर कदम, हर संकल्प, हर नजर अर्थ सहित हो, यानी एक भी संकल्प साधारण ना हो। स्टेप टू है कि हम उसका सिनोनियम देखें, पर्यायवाची उसका क्या है। जैसे महानता शब्द को ही लें तो उसका पर्यायवाची है विशाल, ग्रेटनेस, और बाबा ने उसकी क्वालिफिकेशन भी बताई है कि हर्षित मूरत, आकर्षण मूरत, अव्यक्त मूरत। और इसके अलावा बाबा ने और मुरलियों में भी बताया है कि महान बनने के लिए महीनता में जाओ, महान बनने के लिए अपने आप को मेहमान समझो, और महान अर्थात महादानी। तो स्टेप टू में हमें क्या करना है कि स्टेप वन को एक्सपेंड करना है। स्टेप वन में हमने सिर्फ उसका मीनिंग देखा था और स्टेप टू में हम उसको और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। स्टेप थ्री में हमें क्या करना है कि विजुअलाइज करना है कि आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या है, या फिर हम कहें स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। तो उसके लिए आज के मुरली में बाबा ने महानता के लिए जो स्टैंडर्ड हमें दिया है वो है, जैसे आप लोगों के जड़ चित्रों के आगे कोई भी आता है तो वो अपने आप को पापी और नीच सहज ही समझ लेता है, जिसे बाबा अक्सर कहते हैं कि आप में और उनमें महान अंतर का अनुभव हो। यानी कि जब भी हमारे सामने कोई आत्मा आए तो उसे ऐसा अनुभव हो कि यह क्या है और हम क्या है। उसके बाद स्टेप फोर में हमें ग्राउंड रियलिटी को चेक करना है, यानी ये चेक करना है कि एक्चुअली में हमने उस नाम को अपने अंदर कितना धारण किया है। तो उसके लिए हम छोटा सा ही एग्जाम्पल लें कि जैसे हम ओम शांति से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो बाबा ने आज की मुरली में जो कहा है कि महान आत्मा अर्थात हर कर्म अर्थ सहित। अर्थ सहित शब्द बहुत गहरा है। हम एक दूसरे को ओम शांति से ग्रीट करते हैं तो हम कितना उसके अर्थ में स्थित होकर कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस अर्थ में स्थित होकर कितना उसका प्रयोग करते हैं। और स्टेप फाइव है कि हम चेंज करें कि जो भी एक्चुअल और आइडियल सिचुएशन में गैप है उसको फिल करें और उसके लिए प्लान बनाकर एग्जीक्यूट करें। उसके बाद जो आज का मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन मुझे लगा, बाबा ने कहा कि रिवाइज कोर्स चल रहा है, सिर्फ थ्योरी में रिवाइज हो रहा है या प्रैक्टिकल में भी? प्रैक्टिकल में भी कोर्स पूरा होना चाहिए ना, क्योंकि लौकिक दुनिया में भले थ्योरी का वेटेज ज्यादा है, यानी 80-20 का रेशियो रहता है, लेकिन हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ रिवर्स है। प्रैक्टिकल को 80% वेटेज है तो थ्योरी को 20%। तो अब नेक्स्ट फेज हमारा प्रैक्टिकल पार्ट पे फोकस करने का होना चाहिए, और आज की मुरली से हम वरदान अपने लिए फॉर्म कर सकते हैं कि सदा अर्थ सहित हर कार्य को करने वाले महान आत्मा भव। मे वी ऑल बिकम ग्रेट सोल बाय परफॉर्मिंग each action meaningfully. Thank you. Om Shanti. बहुत ही अच्छा आंचल बहन कमाल, एकदम वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। तो आपको शेयर करना चाहेंगे भाई बहनों के साथ कि कैसे अव्यक्त मुरली स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं जैसे आपने किया है। शेयर तो बस यही करना चाहेंगे भाई जी की जब मतलब थोड़ा मुरली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उसके बाद वो जब डॉट कनेक्ट होने शुरू होते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे कोई पजल सॉल्व करके अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है कि हाँ, जब उसकी गहराई और उससे क्या अर्थ बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं वो समझ आता है तो बहुत अच्छा फील होता है। जैसे सुडोकू सॉल्व करके फील होता है ना, तो वो अचीवमेंट बार बार हमें ऐसा फील हो उसके लिए हम इसको बार बार करते हैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने बताया, स्पिरिचुअल पजल, सुडोकू और कनेक्टिंग द डॉट्स और मुरली के संग टाइम स्पेंड करना, ये बहुत जरूरी बात है। एक रिचुअल की तरह हमें 10-20 मिनट में आधे घंटे में फिनिश नहीं करना है,
जितना लंबे समय तक उस मुरली के साथ हम रहते हैं तो उन्हें नए आइडियाज आने लगते हैं. राइट ओके नेक्स्ट मुरली रखी पेन जी. नेक्स्ट 19 अप्रैल 1973 की प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ रश्मि सरिया बहन जी आप सुनाइएगा. हाँ जी दीदी. ओम शांति दीदी. बाबा ने जो प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ इस मुरली में बताया है वो वैसे जो हमने शुरू में गीत सुना कि आए हम खुद को बदलने बदल दें तो घर संसार बदलता जाएगा जग बदलता जाएगा तो उसी तरह से जो संसार को ये रियलाइज कराने का जो पुरुषार्थ है कि मतलब बाबा आ गया है और उसने हम आत्माओं को कितना परिवर्तन करके मनुष्य से देवता बना दिया है तो वो हम अपने आचरण से ही दिखा सकते हैं. तो बाबा ने उसी प्रत्यक्षता के लिए पुरुषार्थ हम लोगों को जो बताया है इस मुरली में वो ये बताया है कि हमारे अंदर 5 चीजें दिखाई देनी चाहिए तब हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे बाबा को प्रैक्टिकल में. तो बाबा ने सबसे पहले जो बात कही वो ये कि बाबा के श्रेष्ठ बाप के श्रेष्ठ संग के रंग में प्रत्यक्ष रूप से रंगी हुई आत्मा दिखाई देनी चाहिए. मतलब जो आत्माएं जो बाप के सदा समीप रहती है. समीप रहने का अर्थ है कि एक तो हम बाबा से प्रैक्टिकल में सारे संबंधों की फीलिंग में रहते हैं, दूसरी बात हम बाबा से कर्तव्य में समानता और रुहाब में समानता और पुरानी देह और देह की दुनिया से उपराम अवस्था इस अवेयरनेस में जब हम रहते हैं तो हम बाबा से समीप आत्मा हैं. तो हमारे अंदर जो उसमें इसके आधार पर जो हमारे कंडक्ट में या हमारे चेहरे और चलन में जो हमारे परिवर्तन आता है वो अन्य आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देना चाहिए. तभी अन्य आत्माएं जो हैं वो ये रियलाइज करेगी कि इनको क्या मिला है. और बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता का कनेक्शन पश्चाताप से है. मतलब वो आत्माएं इतना डीपली रियलाइज करेंगी अपने स्वरूप को भी और हमारी महानता को भी. जिस तरह से आज एक मुरली में बाबा ने कहा कि मूर्ति कभी कहती नहीं है कि तुम कैसे हो, लेकिन मूर्ति के आगे सब झुक जाते हैं क्योंकि मूर्ति का स्वरूप वैसा होता है. मूर्ति का जो मूर्ति की महानता इतनी अधिक होती है कि सामने वाली आत्मा अपना स्वरूप उसके सामने रियलाइज कर लेती है. तो बाबा ने ये कहा कि मैं कौन हूँ ये पहेली हमने प्रैक्टिकल में ये स्मृति हमारे अंदर सदा इमर्ज रहती है. क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम ब्रह्मा बाप के आधार पर देख सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा को हमेशा ये अवेयरनेस रहती थी कि मैं कौन बनने वाला हूँ. जैसे बाबा को हमने सुना ही है चरित्रों में कि दादी जानकी बाबा को डांस करते हुए देखती थी कि अभी मैं छोटा बच्चा बनने वाला हूँ. तो बाबा एकदम खो जाते थे उस स्वरूप में. तो इतनी हमको भी भविष्य का नशा और उस महानता की स्मृति रहे तब हमारे अंदर वो हम भी वो दर्पण बन सकेंगे. हमारे अनादि स्वरूप और भविष्य स्वरूप दोनों की हमको ऐसी तीखी स्मृति रहेगी तभी हम उसका स्वरूप बन सकेंगे. तो जब दर्पण पावरफुल होगा तभी सामने वाले को रियलाइज होगा कि उनको अब क्या करना है, कौन सा परिवर्तन अपने में लाना है. और यही बाबा की प्रत्यक्षता का आधार होगा. तो बाबा ने हम इसमें हमने जो चेकिंग की वो ये कि हम अपने हम प्रैक्टिकल में अपनी जो लौकिक अवेयरनेस जो दिन भर में दिनचर्या में हम जो सुबह से लेके शाम तक की अवेयरनेस में रहते हैं कौन कौन सी अवेयरनेस में रहते हैं हर एक कर्म में. तो अगर हम उस जो बाबा हमको समीपता या संघ के रंग में हमको इशारे दे रहे कि हम हमारे अंदर वो संघ का रंग एकदम प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए तो क्या वो हमारे हर कर्म में दिखाई देता है. भले वो साधारण कर्म ही हो जैसे हम स्थूल कार्य भी कर रहे हैं तो भी उसमें वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देना चाहिए, हमारे बोल में भी दिखाई देना चाहिए और हमारे वृत्ति में भी हमारी दृष्टि में भी हरेक में वो महानता दिखाई देनी चाहिए. तो जैसे अगर हमारी आंख में एक आंख में मुक्ति और एक में जीवन मुक्ति ये एकदम इमर्ज रूप में रहेगा तभी हम वो पावरफुल दर्पण बन सकेंगे. फिर बाबा ने कहा कि ये आज जैसे सद्गुरुवार तो आज जैसे भी सद्गुरुवार है तो बाबा ने 3 बातें चेक की. तो वो 3 बातें ये थी कि एक तो अव्यक्त स्थिति में रहते बाबा से वरदान प्राप्त करते रहने की स्थिति कहाँ तक है.
तो जैसे कभी ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता है, जैसे जनवरी मास में हम सभी तपस्या करते हैं, तो उस समय तो चारों तरफ तपस्या का वायुमंडल होने के कारण बहुत साइलेंस की स्थिति अपने आप ही बन जाती है। लेकिन बाबा ने कहा कि वो स्थिति हमारी हर समय रहे, सर्विस करते हुए वो स्थिति परिवर्तन क्यों हो जाती है, वो अगर हमेशा रहे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकते हैं या बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो अव्यक्त स्थिति में वरदान प्राप्त करने में हम मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित रहकर बाबा की संपूर्ण शक्तियों का अनुभव करते रहना है हमको, और हिम्मत के आधार पर बाबा की सदा संपूर्ण मदद का अनुभव करते रहना है। और इसी तरह से बाबा की जो संपन्न सॉरी बाप समान संपन्न स्थिति को अनुभव करते हुए विश्व कल्याणकारी का कर्तव्य निरंतर करते रहना है। तो इसको करने के लिए हमको वो जो अव्यक्त स्थिति है उसको बनाए रखना पड़ेगा। फिर दूसरा जो क्वेश्चन बाबा ने चेक किया वो ये था कि सर्विस में जो सर्विस तो अच्छी है, सर्विस की जो रिजल्ट है बाबा कह रहे हैं वो अच्छी है, लेकिन सर्विस में बैलेंस जो है वो कभी कभी इधर उधर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। वो इस कारण से कि हम स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस जो है उसमें हमको स्पेशल अटेंशन देना है। तो स्व सेवा और विश्व सेवा करते हुए कभी कभी हम लोग सेवा में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, समय संकल्प इतना अधिक उसमें देने लग जाते हैं कि हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने में या उसमें और डीप जाने में, साइलेंस को बढ़ाने में इनमें अटेंशन कम देने लग जाते हैं। और वो जो साइलेंस की स्थिति है वास्तव में तो विश्व सेवा उसी के आधार पर होती है, सेवा का हमें पुरुषार्थ करना है, लेकिन उसमें अपनी स्थिति को और शक्तिशाली बनाने का जो पुरुषार्थ है वो हमें नहीं भूलना है। तो इसी के आधार पर हम मास्टर सक्सेसफुल बनेंगे। और बाबा ने जो तीसरा जो क्वेश्चन जो चेक किया वो ये कि संपर्क व संबंध में स्वयं हम अपने आप से संतुष्ट व अन्य आत्माएं कहाँ तक हमसे संतुष्ट रही, भले हम प्रवृत्ति में हैं या सेंटर पर हैं, लेकिन बाबा हमें ये कहते कि दोनों अपने आप से भी संतुष्ट और हमारे साथ वाली जो आत्माएं हैं वो भी हमसे सब संतुष्ट। तो अपने आप से संतुष्ट तो जब हम संपन्न स्थिति में रहेंगे, और जितना हम अपने गहरे पुरुषार्थ में अपने आप को प्योर बनाने में, जितना बाप समान स्थिति में स्थित होने में पुरुषार्थ करेंगे तो वो संतुष्टता अनुभव करते रहेंगे, और अन्य आत्माएं उसी तरह से हम सर्व के स्नेही और सम्मान देने वाले बनेंगे तो सबको संतुष्ट कर सकते हैं। और बाबा ने कहा कि अगर हमने अव्यक्त स्थिति में रहकर वरदान प्राप्त करने का यानी वरदानों की अवेयरनेस में रहने का पुरुषार्थ नहीं किया तो विघ्नों का सामना हमें बहुत करना पड़ेगा पुरुषार्थ के मार्ग पर, क्योंकि वरदान और विघ्न का बाबा ने कहा कनेक्शन है आपस में। क्योंकि वरदान जो है, वरदान है हमारा संपन्न स्वरूप, वरदान लेना बाबा से इसका मतलब है उस स्वरूप में स्थित हो जाना, इसी को वरदान लेना कहेंगे। तो उस वरदान की अवेयरनेस में अगर हम नहीं रहेंगे तो हम देह भान या देह अभिमान की अवेयरनेस में हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस में आते ही विघ्नों का हमें सामना करना पड़ता है, और वो शक्तियां उस समय हमारे पास इमर्ज रूप में नहीं रहती। तो बाबा ने कहा जो स्पीड अभी पुरुषार्थ की होनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, तो वो स्पीड अभी आए उसके लिए हमें मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान को बाबा ने कहा कि अपने में सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष रूप अनुभव करो, कि मेरे में और बाबा में शक्तियों में कोई अंतर ही नहीं है जैसे। तो अगर हम ऐसा अनुभव करते रहेंगे इस तरह से हर परिवर्तन अपने अंदर लाने में, हर संकल्प में ऐसी हमारा कॉन्फिडेंस हमारी दृढ़ता रहेगी, हर कमजोरी को त्याग करने में अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में रहेंगे तो हम वो अवेयरनेस ला सकते हैं, वो अव्यक्त वायुमंडल बना सकते हैं जिसमें विघ्न आएगा ही नहीं। तो इस तरह से बाबा ने मतलब ये कहा कि इस ऐसी आत्माएं जो अव्यक्त वायुमंडल बनाएंगी वही अन्य आत्माओं की भी विघ्न विनाशक बन सकती है, क्योंकि हमें केवल अपने ही विघ्न विनाश नहीं करने हैं। तो ये सारा ये जो पांचों बातें थी ये प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ बाबा ने बताया। वैसे तो आज जितनी भी मुरलियां इसके पहले पढ़ी गई हैं वो सभी सभी
प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ है, तो वो सारा कंपाइल करके इस एक मुरली में जैसे गिफ्ट के रूप में बाबा ने दिया। ओम शांति। बहुत ही अच्छा, एकदम राखी बहन ने बहुत अच्छे से सबको इंस्पायर किया है और बहुत ही कमाल का सभी ने शेयरिंग किया। लेकिन जो भी भाई बहन इसमें, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो उम्मीद है कि काफ़ी सारे भाई बहन तो ऐसे होंगे जो डेली अवेक्त मुरली स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो भाई बहन नहीं कर रहे हैं अभी, तो उन्हें ये रियलाइज़ करना है कि ये बाबा ने हमारे लिए बहुत ही ईजी सिस्टम बना के दिया है कि एक ग्रुप के माध्यम से हम मिलते हैं और हर दिन एक अवेक्त मुरली पढ़ने का ही लक्ष्य हमारे पास है। और अभी 73 इसमें चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कोर्स अभी हमारा नहीं निकला है, 69, 70, 71, 72 ही सिर्फ निकला है। और जिन्होंने भी अभी तक कवर वो नहीं किया है, तो कोई बात नहीं है, 73 से करना शुरू कीजिए। और इससे अच्छा मौका फिर शायद ना मिले। बहुत मदद मिलती है ग्रुप की, कंटिन्यूटी बनी रहती है, उमंग उत्साह बना रहता है, और जो भी भाई शेयर करते हैं उन्हें तो फिर बहुत ही मज़ा आता है, उनको पता ही है। तो जो भी भाई बहन अभी भी इसमें नहीं डेली पढ़ पाते किसी भी कारण से, तो वो इस जैसे जैसे नए वर्ष के नज़दीक जा रहे हैं, तो अपने मन में वो रिजोल्यूशन है ज़रूर लें कि कुछ भी हो हम हर एक दिन का अवेक्त मुरली ज़रूर पढ़ेंगे और उसकी पूरी डेप्थ में जाएंगे, पूरा ही दिन उसके अराउंड बिल्ड करेंगे। अमृत वेला भी उसी के आधार पे, नौमा शाम भी उसी के आधार पे, उस दिन का चार्ट भी उसी के आधार पे, सब कुछ। तो बहुत बहुत मदद आपको मिलेगी। और लॉकडाउन से ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये सारे खजानों को हमारे लिए अनलॉक कर सकते हैं। तो राखी बहन का, संतोष भाई का, सभी का इसके लिए विशेष धन्यवाद कि उन्होंने हम सबको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको बाबा ही इंस्पायर्ड कर रहा है, सबका हर दिन नया एक निकल कर आ रहा है, सब रिफाइन होते जा रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल रेगुलर रेगुलर कर रहे हैं। मॉर्निंग में हम सभी रेगुलर रहते हैं और अब तो एक मनन चिंतन का पॉइंट लेते हैं, उस पर भी सब बोलते हैं, और बिल्कुल कंटिन्यूटी सबकी बनी हुई है, बहुत महीनता से चल रहा है, जैसे बाबा सच में सबको रिफाइन करते जा रहे हैं। जी राइट, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमसे मिस हो जाती हैं, लेकिन जब ग्रुप में सबसे सुनते हैं तो उन पॉइंट्स पे ध्यान जाता है कि अच्छा, ये बात तो हमने ऐसे सोची नहीं थी, लेकिन ये अच्छा कनेक्शन हुआ। तो जितने भी भाई बहनों ने शेयर किया बहुत वैल्यूएबल है, उतना टाइम देके वो शेयर कर रहे हैं, पढ़ के आते हैं, तो कीप इट अप, इट इज वेरी गुड। आपकी क्लास में सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे वाइब्रेशन सबको फील होते हैं, बहुत डीपनेस आ जाती है सबके अंदर। जी थैंक यू भाई जी, थैंक यू, समय का सहयोग है हम सबको।